तो आज की वीडियो यहाँ पे Q&A वीडियो होने वाली है। रिसेंटली मेरे 9000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे और 9000 सब्सक्राइबर की खुशी में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे शेयर किया था। उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आस्क करना है, पूछना है, तो आस्क PTG लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी गए हैं, मैंने उनको कुछ क्वेश्चन को पिक किया है। आस्क PTG जो हैशटैग यूज़ किया था वो तो सारे पिक कर लिए हैं, एक दो ऐसे ही कमेंट भी यहाँ पे मैंने पिक किए हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ IQ 8 सीरीज से लेके। तो अगर आप वो न्यूज़ भी देखना चाहते हैं तो एंड तक जरूर बने रहें वीडियो के। तो जल्दी शुरू करें इस वीडियो को। तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PTG अनबॉक्स। तो जल्दी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई अगली अनबॉक्सिंग iPhone 13 की करोगे क्या, तो प्लीज पिच माई कमेंट। तो यहाँ पे H की जगह पे ऊपर K लिखना था, तो प्लीज पिक माई कमेंट बन जाता। तो जी हाँ, मैंने आपका कमेंट पिक कर लिया है और iPhone 13 सीरीज में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 90% बाय करने की कोशिश करूंगा और आपको रिव्यू भी करूंगा। वैसे अभी तक मुझे यहाँ पे 10-12 साल हो चुके हैं एंड्रॉयड यहाँ पे यूज़ करते हुए, तो मैंने अभी तक कभी भी iPhone एक्सपीरियंस नहीं किया है कि iPhone का कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। मैं सिर्फ इसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे बाय करूँगा क्योंकि मुझे एंड्रॉयड काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, यूज़र फ्रेंडली लगते हैं मुझे यहाँ पे, पर्सनल मेरा ओपिनियन है। तो जब भी मैं iPhone में स्विच करूँगा आपको मैं बताऊँगा क्या मुझे यहाँ पे दिक्कत आई है, क्या मुझे ईजी लगा है, सारी बातें भी आने वाली वीडियोज़ में कर लेंगे जब भी मैं iPhone में स्विच करूँगा। फिलहाल तो यहाँ पे एंड्रॉयड के साथ ही रहने का दिल है। हाँ, लेकिन iPhone 13 सीरीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि बाई गिव अवे कब होगा, बाय द वे लव यू। तो लव यू ऑल, मैं जितने भी 9000 सब्सक्राइबर यहाँ पे मेरे कंप्लीट हुए हैं सभी को यहाँ पे लव यू ऑल बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप ही की वजह से, आप ही की सपोर्ट की वजह से 9000 हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आप 10000 भी कर दोगे और जल्दी ही 50000 भी हो जाएंगे। तो जितना जल्दी, तो जितना मैं यहाँ पे कॉन्टेंट यहाँ पे इंप्रूव करता रहूँगा, मुझे लगता है इस ग्रोथ उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो अभी भी आप देख सकते हो कि पहले जो वीडियोज़ है सारी फ़ोन से बन रही थी, अभी यहाँ पे DSLR से बन रही हैं। तो काफ़ी यहाँ पे तरह तरह के मैं एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूँ। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो एक सेटअप भी है और आगे वाले आने वाले टाइम में मे बी कि 10000 पूरे होने के बाद थोड़ा सा और सेटअप आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने स्टार्ट हो गई हैं और आगे होती रहेंगी। तो गिव अवे भी मैंने अभी रिसेंटली ROG 3 के जो यूज़र थे वो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे लॉयल यूज़र थे, लॉयल फ़ैन थे, तो उनको तो फैन तो बिल्कुल भी नहीं मैं बोलता, अपने जितने भी यूज़र रहते हैं, आप एक फैमिली हो, आप फ्रेंड्स हो, तो उनके लिए स्पेशल गिव अवे था ROG 3 के कूलर का, वो मैंने पीछे कुछ टाइम पहले किया था। अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या प्लान करते हैं, 10000 हो जाए एक बार फिर सोचते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि IQ 7 वर्सेज POCO F3 GT कौन सा लूँ, समझ नहीं आ रहा है, वीडियो भी देख लिया फिर भी कन्फ्यूज हूँ। तो भाई यहाँ पे पहले तो मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर कर रखा है लेकिन अभी फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि IQ 7 और POCO F3 GT में मेरी यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहेगी वो IQ 7 को लेकर रहेगी, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग भी अच्छी मिलने वाली है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 870 है तो ये आपको काफ़ी स्टेबल काम करके देगा और साथ ही कैमराज भी आपको काफ़ी डिसेंट काम करके दे देंगे। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिगर्स का आप थोड़ा सा मजा लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप POCO F3 GT के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको POCO F3 GT में जो ट्रिगर्स मिलेंगे वो फिजिकल ट्रिगर्स होंगे, आपको एन्जॉयमेंट मिलेगी गेम में। अगर आप कैजुअल गेमर हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते हो, तो आप POCO F3 GT के साथ भी जा सकते हो, ट्रिगर्स का मजा ले सकते हो। अगर ट्रिगर्स आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो IQ 7 मेरी यहाँ पे फर्स्ट चॉइस रहेगी कि आप उसको बाय कर लीजिए। और इसके अलावा आगे पूछते हैं कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, जब भी मैं टेस्ट करूंगा आपको मैं बता दूंगा कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो आगे देखते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत अच्छा कंटेंट देते हो, लव यू फ्रॉम राजस्थान। तो लव यू ब्रो, आप इतना यहाँ पे सपोर्ट करते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे करता हूँ आप ही के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से शौक था टेक का, लेकिन मैंने चैनल बहुत लेट बनाया है यहाँ पे, लेकिन जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे पिक करते हैं, वो है यहाँ पे कि आई एम अ गेमर सो सजेस्ट मी ए गुड गेमिंग फोन अंडर 50K। तो 50000 के अंडर जब भी मुझे कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ROG 5 के साथ ही जाएं। ROG 5 एक ऐसा डिवाइस है जो आपको, जिसमें आपको भर भर के स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेसिफिकेशन इसमें कम है। तो आपको डेली लाइफ में गेमिंग करते टाइम, परफॉर्मेंस के टाइम कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अमेजिंग काम करके देगा। थोड़ा सा यहाँ पे हैवी साइड के ऊपर चला जाता है, लेकिन मैं ये ROG 2, ROG 3 और ROG 5 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सारे फ़ोन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 240 ग्राम के अराउंड थे, तो मेरे हाथों में बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अभी भी आती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आती कि मैं यहाँ पे इसको होल्ड भी नहीं कर पाऊँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 50000 के बजट में मेरा पहला प्रेफरेंस यहाँ पे रहता है
RG5। लेकिन यहाँ पे IQ7 Legend भी मैंने पिछले 2-3 महीने पहले तक यूज़ किया है, अभी रिसेंटली मैंने उसको सेल आउट किया है, तो वो भी डिवाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, उसको मैं ROG 5 के साथ रख सकता हूँ। बस वही बात है कि दोनों एक ही नंबर पे रहते हैं, उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, उसमें गेमिंग वाले फीचर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, उसमें थोड़ी सी बैटरी आपको कम देखने को मिलती है और बाकी चीज़ें उसमें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बस इसमें थोड़े से आपको गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है तो गेमिंग वाले फीचर देखने को मिलते हैं, बाकी IQ7 Legend के साथ भी जाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि ROG 5 की हीटिंग के बारे में बताएं प्लीज़। तो ROG 5 जब आप अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, 2-3 घंटे खेलते हो, गेमिंग एक दिन करते हो, तो मुझे लगता है कि 45 से लेकर 48 डिग्री तक रहने वाला है, मेरा इतना ही रहता है 45 डिग्री। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी में तो मेरा टेम्परेचर जब 40 डिग्री से आगे जाता ही नहीं है, 41 ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम तो ये भी होता है कि टेम्परेचर राइज करने के बाद ड्रॉप भी करने लग जाता है, जो कि मैंने बाकी फ़ोन में कम देखा है, ROG में मुझे देखने को मिलता है ड्रॉप वाला काम। ड्रॉप तो आपको पता है कि बहुत कम होता है, तो ये चीज़ आपके सामने है, तो हीटिंग के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम करता है। अगर मैं बोलूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन जो स्नैपड्रैगन 888 को अच्छे से मैनेज कर सकता है, संभाल रहा है, तो वो ROG 5 ही है। मैंने OnePlus 9 Pro भी यूज़ किया है, मैंने OnePlus यहाँ पे 9 भी यूज़ किया है, इसमें भी स्नैपड्रैगन 888 है, और साथ ही IQ7 Legend भी यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे ROG 5 भी यूज़ किया है, तो इन सभी में स्नैपड्रैगन 888 है, तो सभी में जो सबसे अच्छा हैंडल करता है स्नैपड्रैगन 888 को, क्योंकि आपको पता है कि ओवरहीट होता है, वो ROG 5 ही है। आगे बात करते हैं कि ROG 3 वर्सेज ROG 5, तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा आंसर है ROG 5, क्योंकि एक तो नया डिवाइस है, ज़्यादा पावरफुल है और इसमें ब्लैक क्रश इशू भी नहीं है। अगर आपको ब्लैक क्रश इशू से कोई बॉदरेशन नहीं है, जैसे मुझे यहाँ पे ROG 3 में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर मैं सपोज यूट्यूबर तो यूट्यूब मैंने चलना शुरू ना किया होता, ROG 3 ही यूज़ करता, क्योंकि फिर मुझे आपको रिव्यू करने के लिए ROG 5 बाय ना करना पड़ता, तो मैं ROG 3 के साथ स्टक रहता, क्योंकि मुझे जो ब्लैक क्रश इशू इतना बॉदर नहीं करता था, मुझे मेरे लिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। काफ़ी सारे लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है, अगर आपके लिए भी दिक्कत वाली बात है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ROG 5 को ले सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि POCO F3 GT वर्सेज IQ7 Legend। तो POCO F3 GT और IQ7 Legend में तो क्लियर विनर यहाँ पे IQ7 Legend है, बड़े इजीली आप IQ7 Legend ले सकते हो, मेरी तरफ से फुली टेस्टेड डिवाइस है, 2-3 महीने मैंने इसको यूज़ किया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ सिवाय एक ग्रीन टिंट इशू के, वो भी सिर्फ स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर आता था, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। आपको बहुत मज़ेदार काम करके देगा, POCO F3 GT से बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और गेमिंग वाले भी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर ट्रिगर्स मिलेंगे और POCO F3 GT में आपको बाहर फिजिकल ट्रिगर्स मिलेंगे, बस यही आपको फर्क देखने को मिलेगा ट्रिगर्स को लेके, बाकी मेरी रिकमेंडेशन IQ7 Legend है। आगे बात करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, तो आगे ये पूछा जा रहा है कि I am confused, मुझे एक डेली ड्राइवर चाहिए, मैं बहुत बड़ा गेमर नहीं हूँ पर 3 घंटे डेली खेलता हूँ और कैमरा भी इम्पॉर्टेंट है, शुड आई गो फॉर IQ7 और Note 2 या Realme GT? 18 अगस्त की वेट करूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो वेट ही करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप POCO F3 GT के एक बार वेट करेंगे, क्योंकि POCO F3 GT भी एक आने वाला एक अच्छा फ़ोन है, जो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छा काम करके देगा, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका रिव्यू ला के दूँ, मेरे 90% मेरा श्योर है कि मैंने उसको बाय करना ही है, तो जब भी मैं बाय करूँगा उसका रिव्यू भी ला के दूँगा, तो पहले उसको वेट करके देखें, उसके बाद इन दोनों डिवाइसेस में आप पिक करें। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरी एक यूज़र के साथ बात हो रही थी कमेंट्स में GT को लेके, तो IQ 8 सीरीज़ को लेके, जैसे IQ 8 सीरीज़ अभी अगस्त में अभी अनाउंस हुई है तो इंडिया में आते आते नवंबर तक आएगी, तो ऐसे Realme GT सीरीज़ March 4 को लॉन्च हुई थी चाइना में और उसको आने में 5 महीने लग गए हैं, अगस्त अभी आ गया है तो अब आ रही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि IQ 8 सीरीज़ भी डिले हो सकता है, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी टाइम लगा देती हैं फ़ोन को इंडिया में लाने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे Realme GT डिवाइस अच्छा होने वाला है, ये यही एक्सपेक्टेड है, तो वेट कीजिए उसके बाद चूज़ कीजिए। आगे बोलते हैं, सुजेशन इज थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वीडियो एज 90% लोग थंबनेल पे क्लिक करते हैं, थंबनेल बेटर करो ब्रो, अदरवाइज फुल पावर टू यू। थैंक यू ब्रो, आपकी जो ये पावर है इसी की वजह से हमारे 9000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो थंबनेल की बात करते हैं कि जैसे आपको पता है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, जॉब के बाद शाम को 5-6 बजे आता हूँ, उसके बाद आते ही वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो शूट करने के बाद साथ साथ एडिट करता हूँ, तो थंबनेल को बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, 1-2 मिनट में मेरा थंबनेल तैयार हो जाता है, तो मैं आगे इंप्रूव कर रहा हूँ। आपने देखा होगा काफ़ी सारे थंबनेल काफ़ी बीच में अच्छे भी आए थे, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकूँ, 10-15 मिनट लगे, ताकि और भी अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, मैं इस सजेशन के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे।
बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे पाजी, यू नो दैट आई लाइक योर कंटेंट, बट आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू ट्राई टू डिक्रीज योर लेंथ ऑफ द वीडियो दैट वुड बी बेटर। तो इसके आगे एक और कमेंट भी आया था यहाँ पे, स्पेशली लिखा गया था, तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि कई यूजर यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि वीडियोस यहाँ पे डिटेल में आए, और कुछ यूजर यहाँ पे चाहते हैं कि बस 5 मिनट में सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाए। लेकिन आपको एक मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर आपने एक 50,000 का फोन बाय करना है, सपोज 70,000 का फोन बाय करना है, या मैं बोलूँ आपने 35,000 का फोन बाय करना है, ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, 35,000, 50,000, 60,000, 70,000। तो ऐसा फोन अगर आप बाय करना चाहते हो तो एक आपके सामने वीडियो आ रही है 7 मिनट की एक बड़े क्रिएटर की, कि हाँ भी इसमें ये है, इसमें वो है, 7 मिनट में उसने वीडियो खत्म कर दी। वहीं आपके सामने एक और वीडियो आ रही है जिसने वो डिवाइस को टेस्ट भी किया है और आपको उसने वीडियो 16-17 मिनट की या 20 मिनट की बना के दी है। तो आप 50,000 रुपया लगाने से पहले क्या आप वो 7 मिनट की वीडियो देख के फ़ोन बाय कर लोगे, या वो 16-17 मिनट की वीडियो जो आपको मिल रही है डिटेल्ड में उसके साथ जाना चाहोगे? तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतनी डिटेल वीडियो में बनाता रहता हूँ। इवन मुझे भी पता है कि वीडियो की लेंथ को शॉर्ट किया जा सकता है, मैं भी 5 मिनट में वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ अपना काम। बस वहाँ पे उसमें ये वाला प्रोसेसर है, उसमें ये वाली बैटरी है, उसमें ये वाला काम किया है, ये कैमरा दिया है, सब कुछ सभी कुछ यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ विद इन 3-4 मिनट्स। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ, आपके पैसे बचाने की बात करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे 70,000 का कोई फ़ोन बाय कर रहे हो, अगर OnePlus 9 Pro आप बाय कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 70,000 जो है वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं या नहीं। क्या आपको उसकी जगह के ऊपर कोई और फ़ोन बाय कर सकते हो? अगर आप ROG 5 बाय कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी आपको डिटेल में पता चलेगा। 5-6 मिनट की वीडियो देख के तो आपने कर लिया बाय फिर फ़ोन, फिर बाद में पछताते रहोगे कि हाँ भी मैंने तो उसकी वीडियो देख के बाय कर लिया था, ना मैं किसी को बोल सकता हूँ, क्या करें, मतलब ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मेरी वीडियो यहाँ पे डिटेल रहती है। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो अनवांटेड पार्ट होगा मैं जल्दी रिमूव करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकता है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ डिटेल में रहेंगी लेकिन अनवांटेड पार्ट यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पूरी पूरी ट्राई करूँगा, बाकी देखते हैं फ्यूचर में कैसा यहाँ पे काम होता है। तो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने आपको बहुत सारे लोगों को बता रखा है कि मैं पटियाला पंजाब से हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर हाइट। वैसे तो इसका यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन मेरी यहाँ पे हाइट जो है वो 5'9" है। वैसे तो आप सभी यहाँ पे ज़्यादातर क्रिएटर को इतना ही देखते हो, तो हाइट से आपको क्या लेना देना, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं 5'9" मेरी हाइट है। और यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिवाइस इन एंड्रॉयड एंड इन iOS। इसका जवाब मैंने वीडियो के पहले पार्ट में दे दिया है कि iOS मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं करता। इन फ्यूचर यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करूँगा, iPhone 13 सीरीज में बाय करूँगा, तब देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। और बेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस अभी के टाइम के ऊपर, या फिर ओवरऑल की बात करते हैं, या फिर अभी की बात करते हैं तो अभी फिलहाल के टाइम के ऊपर तो ROG सीरीज मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। ROG 5 मुझे यहाँ पे मेरा पर्सनल फेवरेट एंड्रॉयड डिवाइस बन जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं एक रोगी हूँ। मतलब एक बंदा तो ऐसा कमेंट करने आया था, उसने रोगी बोला कि क्योंकि मैं यहाँ पे रोग के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं इसका मतलब मैं रोगी हो गया। यार ऐसा नहीं होता। ये डिवाइस को रखने का मतलब ये है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एक बेंचमार्क सेट करता है परफॉर्मेंस को। तो मैं बाकी डिवाइस को ऐसा टेस्ट करता हूँ कि कौन सा डिवाइस ऐसा होगा जो इसके जो इसने जो बेंचमार्क सेट किया है परफॉर्मेंस का उस तक पहुँच सकता है या फिर नहीं। तो रोग वाली सीरीज जो रहती है वो एक बेंचमार्क सेट करती है परफॉर्मेंस को लेके, तो मैं ऐसा ही डिवाइस यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। इसलिए मेरे जो कंपैरिजन रहते हैं वो ROG 5 के साथ, या फिर जो ROG का वो डिवाइस रहता है उसके साथ जो कंपेटेबल होता है डिवाइस उसके साथ आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे इसके बेंचमार्क को बीट कर सके। अभी रिसेंटली iQOO 7 Legend ने बीट किया है और आपको मैंने उसकी प्रेज भी की, आपको रिकमेंड भी किया है, और आप में से बहुत से लोगों ने इसको बाय भी किया है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी गई है। लेकिन यहाँ पे जब भी मेरे पास यहाँ पे कोई डिवाइस आता है तो उसको मैं यहाँ पे ROG सीरीज से ही यहाँ पे कंपेयर करता ही रहूँगा, क्योंकि इससे मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि जो बाकी कंपनी है वो कैसा काम कर रही हैं, धोखे में तो नहीं रख रही। इसका में जब मैं थ्रॉटलिंग करता हूँ तो इसके स्कोर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वहीं दूसरी डिवाइस थ्रॉटलिंग में बहुत चीटिंग भी करती हैं, तभी पता चलता है ना। ये OnePlus 9 वाले तो यहाँ पे धोखा कर रहे थे हमारे साथ, अगर मैं यहाँ पे थ्रॉटलिंग टेस्ट ना करता तो मुझे तो यहाँ पे पता ही ना चलता कि इसने परफॉर्मेंस डाउन किया है। तो ऐसा यहाँ पे ड्रॉप वगैरह यहाँ पे ROG सीरीज में तो नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पे फुल पीक परफॉर्मेंस मिलती है, इसलिए ROG सीरीज में यहाँ पे चूज करता हूँ। तो यही मेरी करंट फेवरेट यहाँ पे सीरीज बन जाती है या डिवाइस बन जाता है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट कैन बी द प्राइस ऑफ iQOO 8 सीरीज फोन्स अंडर 35 और अंडर 45K। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो iQOO 8 होने वाला है वो यहाँ पे 35K के अराउंड रहने वाला है, और iQOO 8 Pro जो होने वाला है वो आपको 45K तक मिल जाएगा।
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि न्यूज मैं देने वाला हूँ, इसी के बारे में देने वाला हूँ। आगे बने रहे, आगे एंड में वीडियो में बात करते हैं आईक्यू 8 सीरीज के बारे में। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच जाता है, वो यह है, इज देयर एनी चांस ऑफ RG5 वाइट वेरिएंट टू बिकम अवेलेबल इन सितंबर 2021? तो इसका आंसर है कि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ निकल के आई है, वो आगे पार्ट में कवर करता हूँ, वो भी ROG5 के साथ ही यहाँ पे लिंक्ड है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, डज ROG5 हीट मोर देन ROG3? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बराबर हीट होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इवन ROG3 तो इससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता था कभी कभी। तो हीटिंग के मामले मुझे लगता है पर्सनली कि दोनों बराबर ही काम करते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने टेस्टिंग कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी पहले वो देख के आए, आपको आइडिया मिल जाएगा कितना टेम्परेचर रेज करते हैं दोनों डिवाइसेस। आगे वो लिखते हैं, बाय द वे लव योर वीडियोस, यू कवर एवरी पॉइंट इन योर वीडियो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जाती है, अगर आप मेरी वीडियोस को लव करते हो तभी यहाँ पे 9000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और मैं जहाँ पे पूरी पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके सामने YouTube में तरह तरह की वीडियोज़ आ जाती हैं, कोई बंदा गलत भी बोलता है, इवन मैं भी गलत स्पेसिफिकेशन के बारे बोल देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करके आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ़ोन का, तभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे हवा में बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन रीड करके बोलते रहते हैं, हवा में बातें करते हैं, उनसे प्लीज़ आप बचें। आगे अब बात करते हैं वो दो खबरों की जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं आप वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ये आपको बोनस मैं देने वाला हूं। सबसे पहली खबर है यहाँ पे आईक्यू 8 को लेके। तो आईक्यू 8 की एक यहाँ पे फोटो आई थी, आपने यहाँ पे देखी होगी, ये है आईक्यू 8 सीरीज के रिगार्डिंग एक फोटो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, तो आपके भाई ने क्या किया, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया है, ये है इसका ट्रांसलेशन। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको ट्रिपल जो कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, वो एक तो यहाँ पे है 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर, और दूसरा है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर। और आपको इसमें जो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, एक गिम्बल टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, माइक्रो गिम्बल टेक्नोलॉजी, जो तो वीवो के पास तो ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वीडियो के शॉट्स होने वाले हैं, मतलब अमेजिंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं। और अभी रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक आईक्यू 8 प्रो को लेके कुछ फोटो सैंपल भी शेयर किए हैं, अभी इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ कितना अमेजिंग काम किया है यहाँ पे कैमरा में। तो यहाँ पे बिना देखे मुझे लग रहा है कि कैमरा काफ़ी सारे डिवाइसेस को बीट करने वाला है, जल्दी इसका भी रिव्यू आपके लाके दूंगा। तो आईक्यू 8 को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई थी, तो यही न्यूज़ यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। और साथ ही एक नई एक लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज़ मुझे यहाँ पे पता चली है, वो है यहाँ पे ROG 5S। तो ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया है एक नमूना, ROG 5S बनाने की ज़रूरत क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब आप ASUS से मेरे हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप पहले ROG 5 Pro और ROG 5 Ultimate को तो आप अवेलेबिलिटी करवा दीजिए, उसके बाद अपने आगे वाले जो डिवाइसेज हैं उनको लॉन्च कीजिए। ROG 5S निकालने का क्या मतलब बन जाता है? अल्टीमेट अभी तक हमारे पास आया नहीं है, प्रो हमारे पास अभी तक आया नहीं है, और अभी आपने एक वो होता है ना कि एक तिल्ली जला दी है आग की, कि हाँ भाई हमने ROG 5S भी बना दिया है, तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो उसमें क्या करेंगे कि ROG 5 भी आपको चिपका देंगे, वो आपको ROG 5 मिलेगा बेसिक वाला, और उसमें आपको स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। बैटरी 6000 रहने वाली है, इसमें डिस्प्ले सेम रहने वाली है, इसके अलावा कैमराज भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, मतलब कुछ आपको कोई चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो फिलहाल लीक आई है वो यही है कि ROG 5S आ रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ना ही आए, अगर ये जो लीक्स आई हैं र्यूमर ही हों तो ना ही आए तो बढ़िया है, इसका हमें कोई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस ROG 5S का। तो बहुत यहाँ पे मतलब बेकार काम किया है ये ROG 5S निकाल के, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी पता चली थी, मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया। जब ROG 5S की पूरी डिटेल्ड यहाँ पे मुझे चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी सारी लीक्स बाहर आ जाएंगी, तब आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो भी शेयर करूँगा। तो ये इतनी सारी वीडियो अगर आपने देख ली है तो मेरे चैनल को तो यहाँ पे सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाएं। और मुझे ये भी बता दें कि अगर आपको ये Q&A अच्छा लगा है तो क्या ऐसे Q&A आगे कंटिन्यू किए जा सकते हैं, वीकली चाहिए मंथली चाहिए मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई Q&A वाली वीडियो में।